हेलो एवरीवन, आज हम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जिन्होंने एग्ज़ाम अपनी नोटिफिकेशन निकाली है जिसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सेम लाइक यूपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकली है और इन्होंने टोटल 121 पोस्ट निकाली है जिसमें डिफरेंट पोस्ट कवर्स होती है। प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम की डेट है 11 फरवरी 2024 एंड मेन एग्जाम्स की डेट है 30 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2024। सेम लाइक यूपीएससी, हरियाणा पीसीएस जो एग्ज़ाम है वो भी 3 स्टेजेस में कवर होगा, लाइक प्रीलिम्स, मेंस एंड एज वेल एज इंटरव्यू। इनमें प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को ये कंडक्ट करेंगे और मेन एग्जाम्स जो है वो 2 दिन चलेगा, 30 मार्च और 31 मार्च। अब प्रीलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो मल्टीपल चॉइस एग्जाम होता है, उसमें दो पेपर्स होंगे आपके। एक आएगा पेपर 1, ये होगा जनरल स्टडीज का, और एक होगा पेपर 2। ये होगा सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इसे हम कहते हैं सी सैट। और दोनों एग्जाम्स 100 100 मार्क्स के होंगे। और ये एग्जाम जो होगा ये 2 2 घंटे का होगा। नोटिफिकेशन के हिसाब से जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है वो उसकी डेट जो है वो 11 फरवरी की है, यानी संडे को एग्जाम कंडक्ट करेंगे। पर जब कभी भी कोई डेट एक्सटेंड करने की या डेट कभी भी कोई पोस्टपोन करने की बात होगी तो वो बाद में वो बता देंगे, बट एक बार डेट डिसाइड हो जाए तो ये फाइनलाइज होती है। उसके बाद इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको रॉन्ग आंसर्स के भी मार्क्स डिडक्ट होंगे और वो मार्क्स डिडक्ट होते हैं 0 to 0.25 शैल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और जो पेपर 2 है जो हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 33%। अब आते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम फॉर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। मैं इसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि जनरल स्टडीज में आपको क्या क्या कवर करना है। और अब आते हैं मेन्स एग्जाम्स के बारे में। हर स्टेट का जो भी सिविल सर्विस एग्जाम होता है उसमें प्रीलिम्स ऑलमोस्ट सेम हो गया है, चाहे आप पंजाब पीसीएस दो, चाहे आप हरियाणा पीएससी दो, या फिर चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो। और
हरियाणा पीएससी का जो मेंस एग्जाम है, ये टोटल मार्क्स है 600 का। जो मेन एग्जाम्स होगा जिसका आफ्टर प्रीलिम्स, वो होगा 600 मार्क्स का, जिसमें चार पेपर्स होंगे। ये मैं यहां से रब कर देता हूं और ये मेन एग्जाम्स है, ये टोटल 600 मार्क्स का है। इसमें फोर पेपर्स होंगे, फर्स्ट पेपर जो होगा वो इंग्लिश का होगा, इंक्लूडिंग एसे। और ये होगा 100 मार्क्स का। सेकंड एग्जाम होगा हमारा हिंदी का, सेम इंक्लूडिंग एसे, इंक्लूडिंग और ये भी 100 मार्क्स का होगा। थर्ड एग्जाम होगा हमारा जनरल स्टडीज, जो होगा हमारा 200 मार्क्स का। और लास्ट फोर्थ एग्जाम होगा हमारा वन ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ये भी होगा 200 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल मेन एग्जाम जो हरियाणा पीएससी का है वो टोटल 600 मार्क्स का है। इंग्लिश इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे, बोथ 100 मार्क्स ईच, जनरल स्टडीज 200 एंड वन ऑप्शनल सब्जेक्ट 200। सो ये आपके प्रीलिम्स और मेंस का मैंने आपको बता दिया है। बाकी जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको एक ऑप्शन दी जाएगी कि आपने कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अपना चूज करना है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको काफी सोच समझ के देखना है कौन सा आपके, अगर ग्रेजुएशन में आपने सब्जेक्ट लिया और आपने आपके उसमें ग्रिप अच्छी है तो आप वो ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। जैसे लाइक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक हिस्ट्री, ये काफी पॉपुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अब मैं आपको इसमें हरियाणा पीएससी में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होना है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो अभी आप देख लीजिए, जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है वेल एंड गुड, वो अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है। सिर्फ और सिर्फ ये 11 फरवरी को एग्जाम है और मैक्सिमम 1.5 महीना रह गया है अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद फिर आफ्टर फेब मेंस एग्जाम मार्च में आ जाएंगे। सो प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो सिलेबस है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।